और ये बड़ी खबर, आरटीए में 5 करोड़ के गबन मामले में गिरफ्तार 4 कर्मचारियों को कोर्ट में पेश किया है पंचकुला से। ये बड़ी खबर, साथ ही साथ इन सभी कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पंचकुला कोर्ट में पेशी के बाद चारों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पंचकुला में आरटीए में 5 करोड़ के गबन मामले में 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 4 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। आरटीए में 5 करोड़ का गबन हुआ था और इस पूरे मामले में 4 कर्मचारी अब सस्पेंड किए गए हैं और इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया है। इसलिए हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट के बिहाफ पे हमने FIR दर्ज की थी, जिसमें इन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिखे थे कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे स्कैम में। अप्रॉक्सीमेटली 62 लाख रुपए के आसपास ये सारा स्कैम किया है इन्होंने। तो उसमें अभी हमने 2 आदमी गिरफ्तार किए हैं, उनको पुलिस रिमांड में हैं। जब पूछताछ की जा रही है वो कैसे गबन करते थे और इसके अंदर कौन कौन और इन्वॉल्व है। ऐसा है, ऑफिस से हमने लिया है, उससे टैली करके जब हमारे सामने ये चीज़ आई है कि हाँ इन्होंने किया है ये, जब भी हमने उनको गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब आगे बैंक से भी रिकॉर्ड लिया गया है और जो इससे संबंधित और कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें चाहिए थे आरटीओ विभाग से, वो हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उमंग शेराण हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमंग, बड़ी खबर यही कि अब इन 4 कर्मचारियों को कोर्ट में पेश किया गया है गिरफ्तार करके 5 करोड़ के गबन का ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आरटीए विभाग में जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर ये आरोप लगे हैं गबन को लेकर। इस मामले में जो है शिकायत पंचकुला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद SIT का गठन किया गया था। वही SIT टीम द्वारा इस मामले में 2 अधिकारियों और 2 कर्मचारियों को फिलहाल गिरफ्तार किया, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर राकेश राणा और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा शामिल, जबकि जो प्योर है यानी चपरा से तस्लीम लाल और ड्राइवर है तरुण, इसे भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनको कोर्ट में पेश किया गया जहाँ से इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली। इससे पूछताछ की जाएगी इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल है इस गबन के मामले में। 5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम है ये जो गबन किया गया है, इसको लेकर अभी कई परतें और खुली और कई गिरफ्तारियां उन्होंने बाकी की। चलिए उमंग, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमंग शेराण हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी। 4 गिरफ्तार कर्मचारियों को कोर्ट में पेश किया गया है और फिलहाल इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर राकेश राणा, ट्रांसपोर्ट के सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा, चपरासी तरसेम लाल, ड्राइवर तरुण उर्फ जौली, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इन चारों आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया गया है। फिलहाल SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है।